वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार हुआ खत्म। कूड़ागाड़ा स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के एक झलक को सबको किया रोमांचित। स्टेशन कर्मी ने क्या कहा, ये जानते हैं हमारे रिपोर्टर जयशंकर प्रसाद वर्मा के द्वारा। कि जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर सवाल किया जा रहा था, हम सवाल भी उठा था पिछले 6 माह से कि इसी पटरी से होकर के वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरेगी, और काफ़ी कौतूहल भी था और कहीं ना कहीं आपके भी मन में होगा, इस लाइन से जब वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरी आपको कैसा लगा पहली बार सिग्नल आपको देने में? बहुत अच्छा लगा और हमको विश्वास था कि मतलब इससे वंदे भारत चलेगी जी। तो सर यात्रियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की इसकी रफ्तार थी जब यात्री इसमें बैठेंगे पहली बार, चूंकि इस लाइन से होकर पहली बार ट्रेन गुजरी है, जब लोग बैठेंगे तो उनकी क्या रिएक्शन होगा, उनका मन की भी बात आप कुछ बता सकते हैं, लोगों का कैसा इरादा रहेगा? अच्छा लगेगा, मतलब बहुत कम समय में आपका दिल्ली सॉरी रांची और पटना लोग जा सकेंगे हजारीबाग से, और वंदे भारत हर जगह तो उसमें दिया नहीं जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो रांची से खुलेगी, मिश्रा पहुंचेगी, मिश्रा के बाद सीधे बरकाकाना, बरकाकाना के बाद सीधे हजारीबाग टाउन के बाद सीधे कोलरमा जंक्शन, कोलरमा जंक्शन के बाद सीधे गया जंक्शन, और गया जंक्शन के बाद सीधे जहानाबाद, और जहानाबाद के बाद वो राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना पहुंचेगी। और सर यहां पर हम आपसे बातचीत करेंगे कि पॉइंट से मैन है आप, जिस तरह से पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरी, आसपास का जो इलाका है, चूंकि मैं यहां देख रहा हूं कि यहां पर रेलवे का जो संपत्ति है वो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की जो आने की जो सुविधा है कमोबेश ठीक ठाक नहीं है, यात्रियों को कैसा महसूस होता है, कहीं ना कहीं दिक्कत? अच्छा दिक्कत, हम दिक्कत की बात कर रहे हैं, जब यहाँ यात्री आते हैं उन्हें किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है, और यह वंदे भारत चलेगी तो आप क्या कहेंगे? बहुत यात्री लोग का बहुत सुविधा होगा, इसलिए कि पटना से गया कम समय में आपका सफर आराम होगा ना। ठीक सर, ये एक ग्रामीण भी है और यहाँ पर काम करते हैं, और एसटीबीएस हाँ टिकट काउंटर मैन है सर, इनका नाम ननकू यादव है, क्योंकि मैं इनसे पहले भी परिचित हो चुका हूँ। सर सवाल ये करेंगे कि कूड़ागाड़ा स्टेशन है, और कूड़ागाड़ा स्टेशन पर लोगों को आने के लिए फिलहाल जो सुविधाएं हैं वो किस तरह की है? पहले तो सुविधा नहीं था, अभी बहुत अच्छा सुविधा हो गया, रोड भी काम अभी चालू है, पूरा रोड का काम कम्प्लीट नहीं हुआ है, रोड का काम अभी जारी है बनने का। एक यहाँ पर सिर्फ लोकल ट्रेन चलाई जा रही है जो बरकाकाना से कोलरमा को जाती है, भविष्य में अगर इस पर एक अच्छा स्पेशल ट्रेन या सुपरफास्ट एक्सप्रेस का अगर यहाँ पर ठहराव होता है, तो आप यहाँ के नज़दीकी आदमी हैं, स्थानीय भी व्यक्ति हैं, कैसा महसूस करेंगे यहाँ के लोग, उनके उनके भावना के हिसाब से सवाल कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, यहाँ मिल जाएगा कूड़ागाड़ा स्टेशन में तो यात्री को बहुत अच्छा होगा, सुविधा भी होगा, रांची से पटना जाने में, पटना से रांची आने में बहुत सुविधा होगा।